दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इलेक्ट्रिशियन में अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लास नंबर 1। तो पहली क्लास आज आपकी स्टार्ट होती है और पहली क्लास में आप और हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे सिक्वेंस बद्ध रूप से आपको देखना है और समझना है। तो मैं सबसे पहले पहली क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपको इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का परिचय। और यहाँ पर इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन का मतलब था विद्युत कार्य व्यवसाय का परिचय, इंट्रोडक्शन किसका, तो यहाँ पर व्यवसाय जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का अपन क्या दे रहे हैं, परिचय। इसमें कौन सी दे रहे हैं, पहली क्लास। तो आपकी ये एक नंबर की क्लास स्टार्ट हो जाए, इसके क्रमबद्ध रूप से 200, 300, 400, 500, 600, 150, ठीक है ना, 251, 252 ऐसे क्लास आपको मिलेगी। और लास्ट में आपके मैं बोलूंगा कि भाई इतनी क्लास में खत्म हो गया है, क्योंकि अभी भी यहाँ फिक्स नहीं बता पा रहा हूँ कि कितना हो, इतना तो है, कम से कम इतनी तो है, इससे ज्यादा होगी पता नहीं। देखिए क्योंकि क्लासों का है रोल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक साल की वैलिडिटी दी है, एक साल तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, कुछ नया करता रहूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लासों का फिक्स कुछ नहीं कह सकते। क्लास नंबर 1 का तय है स्टार्ट होना आज। लिखिएगा सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिशियन से पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत किसे कहते हैं, एक्चुअल में विद्युत क्या होती है। सही सरल भाषा में समझे विद्युत को, तो विद्युत को केवल महसूस किया जा सकता है, विद्युत को केवल महसूस किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, छुओगे तो करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। विद्युत को केवल महसूस किया जा सकता है, अर्थात इसे छुआ नहीं जा सकता, छूकर नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन टेस्टर लगा कर देख सकते, तो उसमें बल्ब जल रहा है नियॉन टेस्टर में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, तो वो भी आप क्या कर रहे हो, महसूस ही तो कर रहे हो ना, बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, तो जो भी उपकरण अगर चल रहे हैं, इससे क्या होता, क्लेरिफाई होता कि इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ और इसको हाथ न लगाए क्योंकि डेंजरस है, खतरा है। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको काम आएगी। मैं सबसे पहले आज बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की, तो विद्युत क्या है सबसे पहले ध्यान रखना। तो विद्युत को केवल महसूस किया जा सकता है, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी अगर बात करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन की तो परिभाषा कैसे बन जाती, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे केवल महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो यूं बनेगी कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, और इस ऊर्जा को केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इस ऊर्जा को केवल केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, पता है, इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसे छू भी नहीं सकते, क्योंकि छूओगे तो कारण क्या हो जाएगा, नहीं सकते, करंट आ सकता है, छू भी नहीं सकते, अर्थात यहाँ पर इसको छू नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं, ना तो इसको छू सकते हैं, इसे छू भी नहीं सकते, और नंगी आंखों से इसे देख भी नहीं सकते। तो यहां पर ध्यान रखना, इसे नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं दोस्तों, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। मैं एक एक चीज को ऐसे ही लिखूंगा, नोट्स को आपको क्रमबद्ध रूप से बनाना है, एक क्लासमेट का बढ़िया रजिस्टर लेना, उसमें पहला पेज इस तरह से हो, उसमें यहाँ लिखना क्लास नंबर 1 जो कि मैंने लिखा, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड परिचय, ये क्लास नंबर 2, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे यहाँ पर 250 प्लस क्लास लिखना, तो ऐसे आपका रजिस्टर बढ़िया शानदार सुव्यवस्थित बनेगा और एक सिस्टमेटिक बनेगा। इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा,
परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे ही लिखना है, रोक रोक के आराम से PDF लेकर के स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से बना लेना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ, तो विद्युत ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्या कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, अर्थात ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। तो देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसलिए यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। क्या करती हैं? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अपन समझते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आता है पहला नंबर, तो एग्जाम्पल के अगर बात समझेंगे तो ये किस में बदल सकती है, तो एग्जाम्पल में देखो तो विद्युत ऊर्जा को अपन किस में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को अपन चेंज कर सकते हैं किस में, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल ऊर्जा में। किसके द्वारा करते हैं? यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में मोटरों के द्वारा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में। और किस में कर सकते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा में। किसके द्वारा? हीटर है, क्या है? हीटर है, विद्युत इस्त्री है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं इनके द्वारा। गीजर है, ओवन है, ठीक है, केटली है ना, निमंजक छड़ है, इन सभी के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं, मोटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, और यहाँ तक कि उसको चुंबकीय ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। वैसे जनरेट भी चुंबक की सहायता से होती है, चुंबकीय ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। चुंबकीय ऊर्जा में क्यों? क्यों? क्योंकि लोहा है, विद्युत के संपर्क में रखा उसके क्षेत्र में, तो क्या होता है, वो चुंबक बन जाता है, तो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं। अर्थात यहाँ इसको देखिएगा, इसका रूपांतरण कर दिया, ये विद्युत ऊर्जा थी यहाँ मोटर में तो अपना आउटपुट के रूप में यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की, और यहाँ पर हीटर में तो आउटपुट के रूप में उष्मा प्राप्त की, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में तो आउटपुट के रूप में चुंबक प्राप्त कर, छड़ चुंबक होगी आपके, तो कोई भी यहाँ पर ले सकते हो, है ना, हो सकता है नहीं सकता इस तरह से, है ना भाई, कोई भी चुंबक आपको यहाँ निर्माण करे, छड़ चुंबक लिया, नर्म लोहा लिया, या पर स्टील लिया, इस्पात लिया, कोबर लिया, उसको विद्युत क्षेत्र में रखा तो क्या हो गया, वो उसमें चुंबकत्व के गुण आ गया, था चुंबक बन गया। तो यही तो चीज है, यहाँ पर इसका जो रूपांतरण किया जा सकता, क्या कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहली बात यही बता रहा आपको परिभाषा के तौर पर कि विद्युत ऊर्जा एक प्रकार की, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, पहला क्वेश्चन कि विद्युत क्या है, पहला क्वेश्चन, तो वहां पर भी बदल सकते हैं, कार्य है, ऊर्जा है, क्या है, कार्य है, ऊर्जा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि विद्युत क्या है, कि कार्य है, कि ऊर्जा है, कि कार्य ऊर्जा दोनों है, क्या यह शक्ति है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, तो ऐसे आंसर देने होते हैं। तो विद्युत क्या है? एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा, यहाँ पर इसको क्या है, डायरेक्टली महसूस नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, केवल क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते, है ना, महसूस कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि बल्ब जल रहा, ट्यूबलाइट जल रही, इनको गीजर चल रहा, विद्युत इस्त्री चल रही, पंखा चल रहा, कूलर चल रहा, इन सबसे क्या महसूस कर सकते हैं, फीलिंग ले सकते हैं कि नहीं यार इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो चल रहे हैं, अन्यथा कैसे चलते, अगर विद्युत नहीं होती तो चलते कैसे, यही तो मैटर है, अगर विद्युत नहीं होती तो चलते कैसे, इस बात को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो यह बात है। अच्छा बात बताऊं तो इसको छू देखेगा नहीं सकते, और इसको नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते, है ना, और आपको देखना है तो ऑसिलोस्कोप का अर्थात दोलित्र का प्रयोग किया जाएगा, तब देख सकते हो कि हाँ जो ये एसी है या फिर डीसी है, एसी है या डीसी है, ये कैसे देख सकते हैं, इसमें किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी चल रही है, ये डिफरेंट कंडीशन कैसे होगी, ये आपको तभी होगी कि जब आप उसको ऑसिलोस्कोप की सहायता से देखोगे, तब जाकर के दोलित्र की सहायता से देखोगे, तब जाकर के यहाँ पर देखेगा तब भी इसको देख सकते हो, अन्यथा नंगी आंखों से नहीं देख सकते, केवल फीलिंग ले सकते हो कि ट्यूबलाइट बल्ब जल रहा तो इसका मतलब क्या होगा, ट्यूबलाइट जल रही तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, विद्युत प्रवाह हो रहा है, विद्युत गमन हो रहा है, वो भी 3×10⁸। देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखना, अरे विद्युत का जो प्रवाह होता है ना, प्रवाह वो होता है 3×10⁸, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रवाह होता है, ध्यान रखना ये प्रवाह है, अर्थात सूर्य का प्रकाश होता है ना, उसके समान इसका प्रवाह होता है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्लियर।
समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से विद्युत को क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को बदला जा सकता है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। बदलने का मतलब है रूपांतरण, ऊर्जा रूपांतरण, तो विद्युत का रूपांतरण कर सकते हैं। इसीलिए ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है, परिणाम स्वरूप यहाँ ये है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक अथवा उसमें व चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं विद्युत की उत्पत्ति, विद्युत की उत्पत्ति एक्चुअली में कैसे हुआ था, डिस्कवर कैसे हुई, ये किस तरह से उत्पन्न हुई, तो यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि विद्युत की उत्पत्ति क्या चैप्टर अपना, विद्युत की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति तो हुई, लेकिन किस तरह से हुई उत्पत्ति, इस पर चर्चा करना है, ध्यान रखना। तो सबसे इससे किसका मतलब यह हो कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी खोज किसने की, डिस्कवर किसने की, ये मैटर करता ना। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं खोज उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले खोज हुई इसकी, अगर बात करते हैं खोज डिस्कवर जो हुई, ये हुई है 2500 BC पूर्व। तो बिफोर क्रिस्ट यहाँ पर जो है, इस टाइम जब इसकी उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई, एक्चुअल में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है 2500 BC पूर्व जो है, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है थेल्स। क्या नाम है? थेल्स। थेल्स ने क्या किया दोस्तों, थेल्स नामक वैज्ञानिक बैठा हुआ था और देख रहा था कि एक्चुअल में आकाशीय बिजली आती है, आकाशीय बिजली थेल्स ने देखा 2500 BC पूर्व की बात है ना। तो उसने क्या देखा, एक यूनान का था, एक हाँ यूनानी वैज्ञानिक था, यूनानी वैज्ञानिक था। इसने पाया कि आकाशीय जो बिजली है, तड़ित जो झंझार है, ये लंबे समय से इसको देख रहे हैं कि आती है, चली जाती है, गिर जाती है, करंट देती है, कई लोगों की मौत हो जाती है। तो उसने देखा कि ऐसा कोई शोध करे कि ऐसा सब में होता है कि कुछ पदार्थों ने, तो उसने क्या किया, इसकी खोज की। और खोज में सबसे पहले एक विद्युत उत्पत्ति हुई जिसे स्थिर विद्युत कही। क्या कही? स्थिर विद्युत कही। स्थिर विद्युत की जो खोज की है वो किसने की है? यहाँ थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। तो आपसे पूछा जाए कि स्थिर विद्युत की खोज किसने की? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। और इसने स्थिर विद्युत को अपन बोलते हैं यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक खोज की। लेकिन इसका कहीं यूज नहीं हुआ। अब खोज कैसे की कि एक तो इसने लिया एबोनाइट। क्या लिया? एबोनाइट। अंबर भी लिया था कर। एबोनाइट का जो है रेशम के साथ क्या कराया? रेशम के साथ क्या कराया? घर्षण। क्या कराया? घर्षण। और घर्षण के फलस्वरूप क्या होगी? विद्युत उत्पत्ति हुई। क्या हुई? विद्युत उत्पत्ति। कौन सी? स्थिर विद्युत। एबोनाइट का घर्षण के साथ, एबोनाइट का रेशम के साथ घर्षण कराया तो विद्युत उत्पत्ति पाया। और उसने पाया कि कागज के जो टुकड़े हैं वो आपस में आकर्षण प्रतिकर्षण करने लगे हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण करने लगे हैं, अर्थात उनमें जो है इसे देखा कि जो है क्या कि कुछ उत्पत्ति हुई, पर वो स्थिर विद्युत थी, स्थिर विद्युत थी। तो एबोनाइट रेशम के घर्षण के फलस्वरूप उत्पत्ति विद्युत की हुई। कागज के टुकड़ों पे क्या किया इसने? तो यहाँ पर क्या करता, आकर्षण प्रतिकर्षण हुआ, अर्थात स्थिर विद्युत की उत्पत्ति दिखाई दी। ऐसे इसने शोध किया और स्थिर विद्युत की शोध करके 2500 BC पूर्व चला गया, कोई नहीं आया। सालों तक ऐसे ही पढ़ा रहा शोध पर, कोई रिसर्च नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद आया है एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक। क्या आया? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक। और बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने पाया, क्या पाया? देखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने पाया। ये कब हुआ था? ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के समकालीन की बात है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ है ना, एलिजाबेथ अर्थात गैलीलियो के टाइम की बात, गैलीलियो गैलीली के समकालीन की बात, एलिजाबेथ या फिर हो सकते हो गैलीलियो गैलीली जिसने दूरबीन की खोज की, गैलीली, ठीक है, ये पूरा नाम है जिसने दूरबीन की खोज की, उसके समकालीन की बात है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ब्रिटेन की महारानी की जो थी उसके घरेलू चिकित्सक थे। क्या थे? घरेलू चिकित्सक थे। तो उसी के समकालीन, गैलीलियो के समकालीन इसने क्या पाया कि ऐसे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एबोनाइट और रेशम ही हो, ऐसे कई पदार्थ है जिन्हें क्या करते हैं, इसने पाया, क्या पाया, यूं पाया कि ऐसे कई पदार्थ है, कई पदार्थ क्या है, ऐसे
कई पदार्थ है जिनको आपस में कई पदार्थ है जिन्हें जिन्हें आपस में रगड़ने पर, जिन्हें आपस में जिन्हें आपस में रगड़ने पर स्थिर विद्युत की उत्पत्ति होती है। स्थिर विद्युत की उत्पत्ति उत्पत्ति होती है। तो स्थिर विद्युत की उत्पत्ति किससे होती है, पहले तो ये ध्यान रखना, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण होती है। तो ऐसे कई पदार्थ है जिसके कारण क्या होती है, स्थिर विद्युत की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर ध्यान रखना, तो इसने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी ये बात बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे यूं और बात बात सामने आई, इसमें एक नोट बार कर ध्यान रखना कि कुछ आवेश ऐसी भी कंडीशन हुई यहाँ पर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो एक और अपने तड़ित चालक था, लाइटिंग प्रेरक्षक, उसकी भी खोज इसी नहीं की, ठीक है, ध्यान रखना, तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की और इसने आवेशों को पाया। इसी के आधार पर इसने आवेश जो है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेश बताए, है ना, आवेश की भाई ये जो होती है ये उत्पत्ति तो होती है लेकिन आवेश के कारण होती है, किसके कारण, चार्ज के कारण। चार्ज के कारण तो इसने यूं पाया कि चार्ज भी दो प्रकार के डिवाइड किए इसने, कितने प्रकार के, चार्ज को दो भागों में भागा बांटा और पाया कि यहाँ पर देखिएगा जो है, एक तो धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक, जिसे पॉजिटिव बोलते हैं, धनात्मक चार्ज जो होता है, एक होता है ऋणात्मक, क्या होता है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव होता है। तो जब आपस में रगड़ते हैं दो पदार्थों को, तो धनात्मक तो क्या करता है, किसी का भी त्याग करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का, किसका त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन, धनात्मक इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, धनात्मक इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग, इलेक्ट्रॉनों को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन माइनस, जिस माइनस का मतलब होता है इस पर जो है ना ऋणात्मक आवेश पाया जाता है 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, क्या करता है, त्याग करता है, कौन करता है, धनात्मक आवेश। अब जब त्याग करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों में कमी आ जाएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, त्याग करने के कारण इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी होगी, तो कमी किसकी, इलेक्ट्रॉनों की। अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है जब रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देता है किसको, तो यहाँ पर देता है ऋणात्मक को, तो ये ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, और ये ग्रहण करता है तो इसमें वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, किसकी वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉनों की। मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है, क्या शादी हो जाती है और आपकी नौकरी लग जाती, पहले तो आपकी नौकरी लग जाती, लाइफ सेट होगी, शादी कर ली, तो फिर एक तारीख को तनख्वाह आते थे, किसको दोगे, माइनस को, माइनस को मतलब आपकी मैडम को, मैडम को दोगे, मैडम क्या ऋणात्मक, आप क्या धनात्मक, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कौन कर रहा, मेहनत कौन कर रहा, पैसे किसके पास जा रहे, ग्रहण कौन कर रही, माइनस वाली। तो यहाँ पर तो बीच में कमी होगी, इसकी जेब खाली हो जाएगी तो कमी होगी, इसकी जेब बढ़ जाएगी तो वृद्धि होगी, इसका जो जेब भर गई अर्थात जो है बैग भर गया तो इसका वृद्धि हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा, बढ़ रहा, घट रहा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये आवेश कंडीशन है, ये बात भी किसने कही है, ये सारी की सारी बात किसने कही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन ने बताई ये बात, किसने, बेंजामिन ने ही बताई ये बात, और ये कही कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, इस तरह से जो आवेश की होती है। बेंजामिन ने ही आपको बताता हूँ तड़ित चालक की खोज भी की है, इसकी तड़ित चालक जिसको बोलते हैं लाइटिंग लाइटिंग परिरक्षक, जो कि आकाशीय बिजली से परिरक्षक, जो कि आकाशीय बिजली से अपन क्या करता है, मानव की सुरक्षा करता है, जो कि इसकी खोज भी इसी ने की है। तो याद रखना, क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसी भी तरह से आंसर दे देना, परेशान होने की जरूरत नहीं, समय गुजरा, समय बदला, और ध्यान रखना। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था अलेक्जेंडर ओल्टा, क्या था, ओल्टा नामक वैज्ञानिक, ठीक, नाम तो सुना होगा आपने, ओल्टा नामक वैज्ञानिक, क्या था, अलेक्जेंडर ओल्टा जिसको बोलते हैं यहाँ पर। तो ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने क्या है कि बैटरी की खोज की, याद होता आपको, सेल की खोज की, किसकी, सेलों का समूह क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता, सेल की खोज की, बैटरी की खोज की, तो बैटरी का प्रमुख यही जाता है, अर्थात इसने कई रासायनिक पदार्थों के कारण क्या करते हैं, उनसे क्रिया कराते हैं, रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विद्युत उत्पत्ति की, जिसे तारों में क्या करते हैं, तारों में, जिसे तारों में संचरित
किया जा सकता है, ये बात है, ठीक है, जिसे तारों में संचित किया गया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, उसकी ये मैटर करता है, इसने यूं कही कि यूं ये बात लागू की कि भाई यहाँ पर जो है ना पदार्थों की जो अभिक्रिया करे, जैसे आप जानते हो बैटरी, अपने एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, बैटरी में क्या डालते हैं, जल, अशुद्ध जल, और क्या डालते हैं, H2SO4, विद्युत अवघट्य। और इनके कारण क्या होता है कि जब किसी विद्युत अवघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो अपने दो अलग अलग आयंस में विभक्त हो जाता है। ये आयंस में विभक्त होने की घटना क्या होती है, ये क्या होगी, अभिक्रिया। तो दो अलग अलग आयंस में विभक्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप वो प्लस और माइनस में, अर्थात धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होने लगती है। अर्थात धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। अब क्या होता है कि जरा एक और वैज्ञानिक आया है जिसका नाम होता, नाम था, याद होगा आपको अच्छी तरह से, जिसका नाम याद होगा आपको, क्या नाम है बोलो, अल्टरनेटर की खोज किसने की, यंत्र की खोज किसने की, बोलो बोलो, सर माइकल फैराडे, ठीक है। तो फैराडे, फैराडे का नाम तो सुना है होगा ना, सर माइकल फैराडे का। तो ये जी फैराडे जी आए, और ये तो ये वोल्टा जी 1900 सदी में आए थे, ठीक है। वोल्टा जी कब आए थे, 1900 सदी लास्ट में आए अपने फैराडे जी। और फैराडे जी ने देखिएगा बहुत बड़ा योगदान दिया, क्या किया, इनको पता नहीं था लेकिन हुआ क्या कि सहयोगों से ऐसा ऐसा सब कुछ करते गए शोध में, तो इन्होंने पाया कि एक कोई भी यहाँ पर प्लस माइनस ले लिया, ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से कोई प्लस माइनस एक ले लिया, इधर प्लस एक ले लिया माइनस, क्या ये नेगेटिव, ये सॉरी एस ध्रुव चुंबक ली, और इस चुंबक के ध्रुवों के बीच बन रहे चुंबकीय फ्लक्स को किसी चालक प्रति द्वारा प्रतिच्छेद किया गया, जैसे तांबा ले लिया, कॉपर की छड़ ले ली, ठीक है, यहाँ पर ये कॉपर ले लिया एग्जांपल। अब इसको घुमाया, प्रतिच्छेदित किया, तो इसके प्रतिच्छेदन के फलस्वरूप इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई, विद्युत की उत्पत्ति हुई, और वो कलाई गतिज विद्युत, डायनेमिक विद्युत, जो कि आज उसी का उपयोग अपन कर रहे हैं। इस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई है, क्या हुई है, उत्पत्ति हुई। तो देखिएगा सर माइकल फैराडे ने क्या किया, मैं बात बताता हूँ, सर माइकल फैराडे ने जो किया है ना, देखिएगा फैराडे ने दो ध्रुवों के बीच बन रहे चुंबकीय, दो ध्रुवों के बीच बन रहे चुंबकीय, दो ध्रुवों के बीच बन रहे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं बोल सकते हो, बल रेखाओं को चालक द्वारा प्रतिच्छेदित करके गतिज विद्युत की उत्पत्ति की डायनेमिक बोलते इसको, उत्पत्ति की। इस तरह से जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग उत्पत्ति में योगदान दिए, और आज जो सर्वाधिक जो है देखिएगा, इसका तो यूज लगभग न के लगभग होता है, इसका जो है यूज इन दोनों का होता है, वोल्टा बैटरी का भी यूज करते हैं, लाइट चल जाने के बाद इन्वर्टर वगैरह में बैटरी तो यूज आती नहीं, तो यहाँ पर तो ये धारा को संग्रहित कर लेते हैं, लेकिन सर्वाधिक जिसके कारण उत्पत्ति हुई वह है सर माइकल फैराडे जी, कहते हैं सर माइकल फैराडे। तो अभी जो हाल में यूज ले रहे हैं अपन, किसकी वजह से ले रहे हैं ज्यादा, जो इलेक्ट्रिसिटी काम आ रही है वो है सर माइकल फैराडे जी की। अतः ये है इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति, क्या है इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति, जो कि मैंने एक एक चीज करके विस्तार से आपको बताई। मैं क्रमबद्ध रूप से आपके चलूंगा, इलेक्ट्रिशियन कहाँ से स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, इसमें विद्युत का क्या उद्देश्य होता है, इलेक्ट्रिशियन का क्या कार्य है, इस तरह से सारी चीजें मैं क्रमबद्ध रूप से चलूंगा, और यहाँ पर इसी तरह से बताया। तो सबसे पहले विद्युत क्या थी ये बताई, और विद्युत के बाद मैंने बताया कि यहाँ पर विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई ये बात बताई। तो एक एक चीज को मैं क्लियर और स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना। इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे आगे।
अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ अगला जो क्या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, मतलब इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिशियन में बात करते हैं तो विद्युत कार जो होता है वो उसका क्या उद्देश्य है, यहाँ पर विद्युत कार की अगर बात करते हैं तो इसका क्या है ये विद्युत कार, और इलेक्ट्रिशियन का क्या कार्य है, किस तरह से है, क्या कार्य करता है। तो आप जानते हो आप आई टी इलेक्ट्रिशियन में करते हो तो आपका क्या कार्य होगा, ये चीज़ तो आपको क्लियर होना ही चाहिए ना सबसे पहले कि आपका क्या कार्य होगा। एक विद्युत कार का कार्य होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल उपकरण रहे, मशीन रहे या युक्ति रहे, जो भी मशीन युक्ति उपकरण है इलेक्ट्रिशियन के, उन सभी मशीन युक्ति व उपकरणों का मरम्मत करना, मेंटेनेंस करना, अनुरक्षण करना एवं उन्हें असेंबल करने अर्थात बनाने का ये कार्य होता है। ये तीनों कार्य जो होता है किसका होता है, एक इलेक्ट्रिशियन का होता है, किसका होता है इलेक्ट्रीशियन का। तो लिखिए परिभाषा, देखिए एक वैद्युतिक उपकरणों में यहाँ मशीन भी आ जाएगी और युक्तियां भी आ जाएगी, युक्तियां या युक्तियों को बहुत समय युक्तियां, ठीक है। वैद्युतिक उपकरणों का निर्माण एवं विद्युत मशीनों का निर्माण एवं मरम्मत व मेंटेनेंस व अनुरक्षण मतलब रख रखाव, अनुरक्षण करने वाला कारीगर विद्युत कार कहलाता है, करने वाला कारीगर विद्युत कार कहलाता है। तो ये तो एक सरल भाषा होगी, तो यहां पर आप समझिएगा कि क्या कार्य कर रहा हो। तो यहां पर देखिए किसी भी मशीन को असेंबल करेगा, क्या करेगा, कहीं प्रोडक्शन हो रहा, कोई फैक्ट्री लगी हुई जान जंत्र बनाने की, अल्टरनेट बनाने, ट्रांसफर बनाने की, इनकी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज है, उन फैक्ट्री में असेंबल करने वाला कौन रहेगा, इलेक्ट्रिशियन ही तो रहेगा ना। तो इलेक्ट्रिशियन रहेगा तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, निर्माण भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी मरम्मत को भाई लंबे टाइम के बाद उसमें खराबी आ जाती है, एक साल दो साल चला, छह महीने चला, उसमें कोई खराबी आएगी, कोई भी तकनीकी इशू आ गया, या समय पर POH करना होता, क्या होगा पीरियडिक ओवरहॉलिंग करना, समय पर आवधिक मरम्मत करना है, तो उसके लिए मरम्मत के लिए कौन चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कौन चाहिए इलेक्ट्रिशियन, तो ये भी कार्य इलेक्ट्रिशियन। अनुरक्षण उसका रख रखाव की कहां रखी जाए, किस तरह से इसका मेंटेनेंस के साथ साथ इसका रख रखाव भी किस तरह से ऐसे रखी जाए जिससे कोई असुविधा ना हो, तो ये रख रखाव के लिए भी सारी चीजें जो है कौन ध्यान रखेगा, उसका बराबर कौन रखेगा, एक विद्युत कार ही रखेगा अर्थात एक इलेक्ट्रिशियन ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिशियन का लाइफ बहुत अभिन्न अंग है जिसकी सहायता से आज अपन जो है प्रत्येक विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को आगे तक प्रवाहित कर रहे हैं और बना रहे, असेंबल कर रहे, बना करके असेंबल करके मरम्मत करके अनुरक्षण करते, ये सब ध्यान रखने का कार्य जो है एक इलेक्ट्रिशियन ही करता है, कौन करता है इलेक्ट्रिशियन। अगर इसी लैंग्वेज को अपन दूसरे शब्दों में कहे, ये परिभाषा ही समझिएगा, अगर अपन दूसरे शब्दों में कहे तो एक और इसके डेफिनेशन में जाएगा, तो क्या बनेगा कि व्यावसायिक सहायक प्रशिक्षण की वह ब्रांच जिसमें विद्युत से चालित उपकरणों का मेंटेनेंस अनुरक्षण रखरखाव अनुरक्षण एवं निर्माण किया जाने वाला कारीगर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिशियन कहलाता है, विद्युतकार कहलाता है।
ये भी इसकी परिभाषा हुई। कैसे हुई कि देखिए यहाँ तक था या करके मैंने एक चीज और डाल दी यहाँ पर कि व्यावसायिक मतलब आईटी प्रशासन की वह शाखा जिसमें विद्युत से चालित विद्युत से चलने वाले क्या उपकरणों अर्थात उपकरणों यंत्र मशीनों से वजह मेंटेनेंस उपकरणों का मेंटेनेंस अनुरक्षण मतलब रख रखाव एवं निर्माण किया जाता हो तो वह कारीगर क्या कहलाता है इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। तो अपन बात भी यही कर रहे हैं तो परिचय किसका दे रहे हैं यहाँ पर ध्यान देने की बात है अपन किसकी बात कर रहे हैं विद्युतकार के इलेक्ट्रिशियन का परिचय दे रहे हैं। तो विद्युतकार का जब परिचय दे रहे हैं तो विद्युतकार का परिचय जब दिया जा रहा तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें देंगे सारी चीज़ें बताएंगे तभी तो क्लियर होगा ना ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ठीक है। चलिए इस ट्रेड के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है तो बात करते हैं कौन कौन सी चीजों का ये कारीगर मेंटेनेंस करता है निर्माण करता है या अनुरक्षण करता है इन चीजों पर थोड़ा सा नजर मारते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखिएगा जिन जिन चीजों पर अपन क्या करते हैं उदाहरण ध्यान देना कि मेंटेनेंस करता हो निर्माण करता हो या फिर रख रखाव करता हो उनमें जैसे आते हैं डीसी मशीनें। क्या बात करते हैं डीसी मशीन। अब डीसी मशीनों में आपके यहाँ पर देखिएगा दो चीजें आती है एक तो जनरेटर आता है डीसी और एक आता है डीसी मोटर। तो डीसी मशीनें हुए यहाँ पर भी और इसकी बात करता है दूसरा एसी मशीन होगा किसका एसी मशीनों का रख रखाव मेंटेनेंस और निर्माण करता है। तो एसी मशीनों के अंतर्गत कौन कौन सी आती है ध्यान रखने की बात है यहाँ पर एसी मशीनों में अपन बात करते हैं तो अल्टरनेटर आता है क्या आता अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक ठीक है अल्टरनेटर आता है। इसके बाद एसी मोटर आता है क्या आता एसी मोटर में सिंगल फेज थ्री फेज सिंक्रोनस सारी सारी आ जाती है ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं तो एसी मोटर आ जाती है अल्टरनेटर यहाँ पर। इसके बाद परिणाम मित्र आ जाता है क्या आ जाता परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर क्या था परिणाम मित्र आ जाता परिणाम मित्र के बाद आता आपके कि वायरिंग वगैरह करनी है घरेलू तो वायरिंग आ जाता है ना वायरिंग का भी कार्य इसी में आता है। वायरिंग के अलावा जो है अगर बात करते हैं तो वाइंडिंग कार्य आ जाता है वाइंडिंग भी करते हैं वायरिंग और वाइंडिंग अलग अलग ध्यान रखना वाइंडिंग भी कार्य इसी के अंतर्गत आता है ठीक है आता नहीं आता। तो वायरिंग है वाइंडिंग है तो यहाँ पर जो भी है सारे इत्यादि जो है सारे सारे जो है कार्य इसके अंतर्गत वर्तमान समय में किए जाते हैं। कौन करता है एक विद्युतकार कौन करता है एक इलेक्ट्रिशियन कौन करता है एक विद्युतकार ये सारे के सारे कार्य करते हैं। तो वर्तमान में जो है एक विद्युतकार जो होता है बहुमुखी प्रतिभाशाली बन चुका है जो कि अपने आज के कार्य क्षेत्र का बहुत ही प्रमुख अभिन्न अंग बन गया है ठीक है। तर्क लिखते हैं इसमें इसी को ही नोट डाल देखिएगा वर्तमान समय में एक इलेक्ट्रिशियन बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति बन चुका है जो कि समास एवं उद्योगों का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो देखो दोस्तों आपका जीवन में आपकी क्या महत्ता है ये जरूरी नहीं लेकिन दूसरों के लिए आपके जीवन आपकी क्या महत्ता है। एक विद्युतकार को एक इलेक्ट्रिशियन को जो ट्रेड परिचय दिया जाता है ट्रेड का बताया जाता है ट्रेड पढ़ाई जाती है कि आपको ये सबसे पहली क्लास में कि आपको क्या करना होता है सबसे पहले विद्युत के बारे में अवगत कराना दूसरे नंबर कि आप जब यहाँ आईटीआई करने आए तो आपको क्या करना है आईटीआई करोगे तो इस पीरियड में क्या क्या चीज़ें करोगे किस कौन कौन से कार्य आपको करने पड़ेंगे ये सारी जानकारी दी जाती है। और इस तरह से वो एक लास्ट में जैसे दो साल बाद निकलता है तो एक स्किल्ड होकर निकलता है तो स्किल्ड के ड्यूशन में जो है एक जो है बहुमुखी प्रतिभा उसके अंदर आ जाती है कौन सी आ जाती है बहुमुखी प्रतिभा आ जाती है जो बहुत सारे काम करने के लायक होता है और इसीलिए उसे को हर जगह अगर वो अपनी दुकान भी खोलता तो आराम से चल जाती है और यहाँ पर या फिर कहीं पर भी जॉब करता तो उसको आसानी से नौकरी मिल जाती है। प्रत्येक घर में या वायरिंग कराते हैं या घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी खराबी आती है तो क्या होता है किसको बुलाते हैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ किसको बुलाओ विद्युतकार को बुलाओ क्यों बुलाते हैं क्योंकि वही सही करता है। और विद्युतकार को बहुत सारी चीज़ें जो है सीखना जरूरी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत डेंजरस भी होती है
इसीलिए कोई भी इसमें रिस्क नहीं उठा करके एक इलेक्ट्रिशियन को बुला करके अपना घर का परिवार का जहां पर भी वर्क चल रहा है इलेक्ट्रिशियन का, उसको कार्य को वो इलेक्ट्रिशियन के द्वारा विद्युत कार के द्वारा किया जाता है। तो विद्युत कार का हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे जो है हर घर, चाहे उद्योग लो, फैक्ट्री लो, इंडस्ट्रीज लो, या फिर कोई भी चीज़ घर ले लो, गोदाम ले लो, या मकान ले लो, हाउस ले लो, या दुकान ले लो, कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज़ हो, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहाँ उनकी इलेक्ट्रिशियन की एक बहुत बड़ी महत्व होती है। इसीलिए विद्युत कार की हमेशा आवश्यकता थी, है और रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अगर किसी ने ली है तो वो शानदार ट्रेड, अच्छी ट्रेड है, इसमें डिमांड भी है और आगे फ्यूचर भी अच्छा है, उज्ज्वल भविष्य है, ये मेरा मानना है। अच्छा, बहुत बढ़िया आपका डिसीजन है, तो लगे रहिए और चलते रहिएगा, अपन एक के बाद एक क्लियर कर ही रहे हैं, इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आज अपन पढ़ रहे हैं इसमें तो इम्पोर्टेंट ऑफ द ट्रेड, व्यवसाय का महत्व। मैं एक एक चीज को क्लियरिफाई करके यहाँ पर बता रहा हूँ, व्यवसाय का महत्व मतलब इलेक्ट्रिशियन के वजह से, पिछले मैं आपको बताया हूँ इसी में ही कि जो है कि इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, विद्युत क्या होती है, विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बाद में आज अभी बताने जा रहा हूँ कि व्यवसाय का महत्व और व्यवसाय का क्या महत्व है। देखिएगा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा महत्व है, क्या विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान रखना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है और इस विद्युत ऊर्जा से चलने वाले उपकरण भी अनेक है, ठीक है, प्रत्येक घर में उपयोग में लाए जाते हैं। इसीलिए देखिएगा, यहाँ अगर बात करते हैं तो एक विद्युत कार जो होता है उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि प्रत्येक घर में, कारण क्योंकि विद्युत ऊर्जा का बड़ा महत्व होने का कारण क्योंकि जीवन की एक अभिन्न शैली बन चुका है। कौन? वैद्युतिक उपकरण। अर्थात देखिएगा, वर्तमान समय में विद्युत व उससे चालित उपकरण जीवन की एक प्रमुख आवश्यकता बन गई है। जीवन की एक प्रमुख आवश्यकता बन गई है। मतलब यहाँ पर अगर आपके अपने घर में ले लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी 2-4 घंटे जाती तो कैसे परेशान होता, अरे यार लाइट नहीं आ रही। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा महत्व, विद्युत का बहुत बड़ा महत्व है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो बहुत परेशानी होगी, है ना। आप परेशान हो जाते हो, घर में आ गई, एसी नहीं चल रही, पंखा नहीं चला, कूलर नहीं चला, फ्रिज नहीं चला, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फलाना ढिकड़ा मकड़ा, बहुत सारे बेसिक वर्क होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना रुक जाते हैं, देखा होगा आपने। अतः जो आज के युग में वर्तमान समय इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही डिमांड है, क्योंकि प्रत्येक जीवन का जो भी अंग आप वर्कआउट कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी में ही जुड़ा हुआ, चाहे आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो, चाहे आप घर पर वर्क कर रहे हो, ऑफिस में वर्क कर रहे हो, फैक्ट्री में वर्क कर रहे हो, उद्योग में वर्क कर रहे हो, गोदाम में कर रहे हो, दुकान पर कर रहे हो, मकान पर कर रहे हो, किसी भी प्रकार का वर्क कर रहे हो, सभी व्यवसाय में इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। चाहे अपने घर पर है, मोटर की चाहिए तो मोटर क्यों चाहिए, क्योंकि पानी चाहिए तो मोटर चाहिए। तो इस तरह से कई जगह, जहां पर कई जगह क्या, पूरे सब जगह इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वर्तमान समय में विद्युत व्यवस्था चलने वाले चालित उपकरण जीवन की एक प्रमुख आवश्यकता बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना, अतः जब उपकरणों की आवश्यकता बन गई तो एक विद्युत कार की भी प्रमुख आवश्यकता बन चुकी है। अतः यहां पर देखिएगा, इसका महत्व क्या व्यवसाय का, इसीलिए क्या जब यहां पर है ना, तो वर्तमान समय में विद्युत कार की भी प्रमुख आवश्यकता बनी रहती है। विद्युत कार की प्रमुख आवश्यकता बनी रहेगी ना भाई, क्योंकि इसके बाद काम चला, यहाँ तक कि यूरोपीय देशों में तो विद्युत कार को एक इंजीनियर इंजी
नियर की भांति देखा जाता है, देखा जाता है मतलब कैसा दर्जा है यूरोपीय देशों में एक इलेक्ट्रिशियन को कैसा दर्जा एक इंजीनियर की भांति है, क्योंकि प्रत्येक कार्य जब हर घर में कहीं पर भी होता है तो एक इंजीनियर की भांति होती है, क्योंकि एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन होता है ना वो सभी मशीनों का दक्ष होता है, अर्थात इसीलिए जो है उसको एक अच्छे अच्छे नज़रे से लोग देखते हैं, और इसके लिए स्कोप भी बहुत होते हैं, क्योंकि व्यवसाय का बहुत बड़ा महत्व है, स्कोप भी बहुत सारे होते हैं, तो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ यूरोपीय देशों में तो एक विद्युत कार का एक इंजीनियर की भांति स्वागत अर्थात वेलकम होता है कि हाँ एक इलेक्ट्रिशियन है ना, तो ये चीज़ मैटर करता है। इसका कारण है क्योंकि वो जो है सारे मशीनों को सभी, इसका कारण है कि एक इलेक्ट्रिशियन सभी प्रकार की मशीनों का रख रखाव व मेंटेनेंस है ना, तो यहाँ पर रख रखाव का मतलब होता है अनुरक्षण, मेंटेनेंस व निर्माण करता है और एक दक्ष कारीगर होता है, क्या होता है एक दक्ष कारीगर होता है इसीलिए। लेकिन नॉलेज के तौर पे मैं आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऐसी बात है मुझे कि चाहे इलेक्ट्रिशियन हो या ना हो, जीवन के प्रत्येक अंग में बेसिक नॉलेज तो सभी ही मानव को विद्युत की होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह तो आप इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुला सकते ना, स्विच को ऑन करना ऑफ करना, मोटर का बटन चालू करना, प्लग लगाना, टॉप लगाना, ठीक है ऑन ऑफ करना, इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मोटर की संबंधित, किसी भी छोटे से बल्ब लगाना, बल्ब खोलना, ट्यूबलाइट लगाना, ट्यूबलाइट खोलना, रिमोट से ऑन करना ऑफ करना, ये छोटी छोटी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है जो कि एक प्रत्येक आदमी को आनी ही चाहिए। तो बेसिक नॉलेज तो प्रत्येक मानव को होना चाहिए। विद्युत की व उपकरणों की बेसिक ज्ञान तो प्रत्येक मानव को होना चाहिए या रखना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक मानव को जो है बेसिक नॉलेज जरूरी है, क्योंकि हर जगह हर समय वो एक इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुला सकता, इसलिए ये प्रमुख रूप से कहा गया कि भाई आपको जो है बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, बिना बेसिक नॉलेज के अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिशियन एक ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड है जो कि आज भी बनी है, कल भी बनी रहेगी और बनी थी, तो ध्यान रखना इसमें क्या जॉब के अवसर हमेशा बने हैं, बने रहेंगे, बने थे, इसलिए बहुत अच्छा फ्यूचर है, अच्छा भविष्य है आप लोगों का, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिएगा एक इलेक्ट्रिशियन का भविष्य उज्जवल है, उज्जवल, ठीक है ध्यान रखना भविष्य क्या है, उज्जवल है कारण क्योंकि एक विद्युत कार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती हैं, अतः यह एक अच्छा जॉब है व अच्छी ट्रेड मतलब व्यवसाय है, ठीक है, जिससे आपको किसी प्रकार की कहीं पर भी जाते हो समय आप अपनी दुकान खोल सकते हो, आप कोई भी फैक्ट्री में नौकरी लग सकते हो,
खुद का बिजनेस हो सकता है, तो खुद की कोई भी चीज़ आप विनिर्माण कर सकते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं एक इलेक्ट्रिशियन बहुत अच्छे से बखूबी रूप से यहाँ कर सकता है। इसलिए ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट ऑफ द ट्रेड। यहाँ पर व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय का महत्व आपको बताया गया है जो कि ज़रूरी था। छोटी बातें हैं, मैं चाहूँ तो पढ़ाने वाले चैप्टर पर ध्यान दूँ, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से भी किसी प्रकार से पुटअप हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और चलो क्वेश्चन पुटअप हो ना हो, लेकिन चीज़ तो सिस्टमेटिक मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि ज़रूरी है कि सिस्टमेटिक चीज़ें मिले, ये बात महत्व रखती है। ऐसे लेकर जड़ तक देखो, आजकल वो बात नहीं रही कि भाई वहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं। पहले था बात, आजकल तो कहीं से भी कुछ भी और कहीं किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता, कुछ भी नहीं कर सकते। अतः किसी भी पूरी थ्योरी में से कोई भी चीज़ छोड़ना स्वास्थ्यवर्धक नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये मेरा मानना है, फिर सबके अलग अलग थीम और सोच होती है, उसका अपने पास कोई उपाय नहीं है कि भाई मैं तो यहाँ 10 क्लास 20 क्लास 50 क्लास दे दूँ, 100 क्लास दे दूँ, कोर्स पूरा करा दूँ, मुझसे तो नहीं होता भाई 200 क्लास 250 से कम है, मुझसे नहीं होगा कोर्स पूरा। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं तो तरीके से सोचते ढंग से ही पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ना पड़े, जिसको दूसरी जगह अच्छा लगता तो वहाँ से पढ़े, मैं ये भी मना नहीं करता। दोनों ऑप्शन, अनेक ऑप्शन आपके पास है, मोस्ट वेलकम है सभी जगह पर। आपको लगे रहना पड़ेगा क्रमबद्ध रूप से, तब जाकर के आप पर हम आगे पढ़ पाएंगे, बढ़ पाएंगे, लग पाएंगे। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी परंतु मोटी है, इन पर फोकस करना पड़ेंगे। चलिए आगे, वर्तमान समय अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें अगर बात करें कि व्यवसाय का भविष्य क्या होगा, फिर फ्यूचर क्या होगा, इसे आईटी वाले ट्रेड इलेक्शन वाले का फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में अगर बात करूँ मैं, तो एक बात ध्यान रखना कि वर्तमान समय में घरों में, उद्योगों में, फैक्ट्री में, सभी जगह पर तो क्या है कि एक इलेक्ट्रिशियन की हमेशा उपयोगिता बनी हुई है, बनी रहेगी, ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। इसी के आधार पर अपन बात करते हैं तो इसके अलग अनेक प्रकार के जो है शाखाएँ और कार्य बांटे गए हैं, उनके आधार पर अनेक कार्य इनको मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे वायरिंग का कार्य, वाइंडिंग का कार्य, मोटर कूलर और पंखे को सुधारने का कार्य, ऐसी रिपेयरिंग का कार्य, इस तरह से का इलेक्ट्रिशियन में जो है बहुत सारे कार्य, ऐसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चला जाता। बात समझ रहे, यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यवसाय का जो फ्यूचर है वो गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं वर्तमान समय में विद्युत का उपभोग बढ़ने के साथ ही उत्पादन अधिक करना पड़ता है। वर्तमान समय में उपभोग के साथ ही क्या करना, उत्पादन अधिक करना पड़ता है। इसीलिए एक इलेक्ट्रिशियन की इसीलिए एक इलेक्ट्रिशियन की औद्योगिक क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र पारेषण क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र, वितरण क्षेत्र घरेलू क्षेत्र इत्यादि में हमेशा आवश्यकता बनी रहेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो किसी भी क्षेत्र हो, किसी प्रकार का क्षेत्र हो, हमेशा इसकी इलेक्ट्रिशियन की उपयोगिता आवश्यकता बनी रहेगी, कोई कमी नहीं होगी उसको यहाँ पर जॉब की तलाश की। अतः चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में कोई कमी नहीं होती। आपका लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और बात बताना चाहता हूँ, चाहे कोई सा भी जॉब हो उसके लिए इसको अनेक प्रकार की शाखाएँ में बांटा गया है। तो वर्तमान समय देखिएगा, अनेक इसको इलेक्ट्रिशियन कार्य को अनेक शाखाओं में ब्रांच में बांटा गया है जैसे
वायरिंग वायरिंग वाइंडिंग वाइंडिंग ठीक है, कूलर, पंखे रिपेयरिंग रिपेयरिंग रिपेयरिंग। तो इस तरह से जो है डिवाइड किया गया है अनेक प्रकार से, जो देख सकते हो आप। और भी देख लो, पंप सेट मैकेनिक, पंप सेट मैकेनिक, औद्योगिक मैकेनिक, औद्योगिक मैकेनिक, इस तरह से अनेक जो है इस प्रकार से डिवाइड किया गया है शाखाओं का। अतः एक विशाल जो है क्या है क्षेत्र है, अतः एक विद्युत का, विद्युत कार के लिए विशाल क्षेत्र हैं, विशाल क्षेत्र हैं, क्षेत्र हैं और क्षेत्र क्षेत्र हैं और क्षेत्र हैं, इसलिए इसलिए इसे हमेशा जॉब जॉब मिलती मिलती ही रहेगी। ये चीज है ध्यान देने की बात है। तो इस तरह से इसको हमेशा जॉब मिलती ही रहेगी, ये कारण है। क्लियर? अतः ध्यान दीजिएगा, अतः अतः इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भविष्य भविष्य पूर्णतः सुरक्षित व उज्ज्वल हैं, उज्ज्वल हैं। ये बात नोट करना, पूर्णतः सुरक्षित और उज्ज्वल है। इस तरह से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो है एक व्यावसायिक परिचय होता हो जाता है, जिसकी बात कर रहे थे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अर्थात व्यवसाय का भविष्य पूर्णतः सुरक्षित और उज्ज्वल है, भविष्य आपका अच्छा है, शानदार है, बशर्ते इसकी तैयारी कर ले कॉम्पिटिशन की तो और शानदार। शानदार तो है लेकिन और शानदार और शानदार और शानदार, मतलब गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो कितना सोने पर सुहागा हो जाए। तो यही बात है, सुरक्षित जीवन हो जाए, एकदम पूर्णतः सुरक्षित हो जाए। तो यही तो चाहते हो, सेफ रहना साथे हो। अतः दोस्तों यही बातें हैं, मैंने ये लास्ट से लेकर के शुरू से पहला वीडियो स्टार्ट किया आज का, तो आपको समझ में आया। अब इस तरह से आपको लास्ट तक जो सारे 250 प्लस वीडियो मिलेंगे तो आपको कैसा लगेगा, सोचो ठंडे दिमाग से। यही बात आपको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, इसलिए सिक्वेंस बदक्रम रूप से आपको नोट्स बनाने हैं, एक एक के बाई एक बैक टू बैक ही बनाने, मर्जी है जहाँ से नहीं, PDF मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको इसी के साथ में मिल जाएगी, कोई चीज़ असुविधा आपको नहीं करेगी। तो मैं छोटी छोटी बातों पर बहुत विस्तार से बता रहा हूं, पर इसके लिए लगे रहना पड़ेगा आपको और हमें, जब जाकर के अपन आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जिंदगी में देखिएगा, एक के बाद एक के बाद एक मोड़ आते रहते हैं, टर्न आ सकते हैं, बदलाव आते रहते हैं। आईटीआई करने के बाद में देखिए, फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ, सेकंड ईयर क्लियर हुआ, उसके बाद में सारे प्रैक्टिकल वगैरह सब क्लियर होने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद तैयारी करना, तो ऐसे बदलाव आता रहता है। अब आईटीआई से अगर आप तैयारी करने लग जाते हो तो थ्योरी तो आपकी कवर होती होती जाएगी, जैसे कॉम्पिटिशन तक आओगे तो आपके कॉम्पिटिशन लेवल पर बहुत कारगर साबित होगी, है ना। जैसे थ्योरी आप शुरू से पढ़ती है ना, आईटीआई की दो साल ईमानदारी से उस टाइम पर भी थ्योरी पढ़ ली है कंपटीशन के साथ, जैसे तो ये थ्योरी वो थ्योरी दोनों मिलाकर के जब आएगी तो लास्ट में आपको एक बार रिवीजन दो बार रिवीजन किया आप फर्स्ट बार में ही निकल जाओगे। तो आईटीआई जैसे क्लियर हुई, आप सेकंड ईयर में जैसे कोई भी भर्ती है उस पर फॉर्म अप्लाई किया और आपने पेपर दिया, पास हो गए, बोलो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, होगा क्या होगा। इस तरह से कई चीजें होती है, छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं। तो जीवन में सजग बने रहना है, सजग बनने के लिए आपको देख परख करके वीडियो खरीदना है, जीवन में सावधान भी रहना, धोखा हर जगह है, ठीक है। और जीवन में देखेगा आपको पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, तभी लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। तो आपको यही बात ध्यान रखना, और कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होना, आशाहीन नहीं होना कि नहीं यार मेरी नौकरी पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी, क्यों रास्ते लग कर रखा कभी तेरी नौकरी के लिए, कोई सील लगा के भेजी सरकार ने, या फिर जहाँ पैदा होगा कि सील लगाई कि थंबनेल होगा कि भाई यही नौकरी लगेगा इसी के रास्ते लिखो, ऐसा कुछ है क्या? कोई भी लग सकता आप में से, ऐसा कुछ भी नहीं। बशर्ते कौन मेहनत करता है, कौन स्ट्रगल करता है, कौन संघर्ष करता है। इसीलिए तो कहा है कि स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन में, और आप में से कौन स्ट्रगल कर लेता है ये है, और वो भी सही समय पर, नहीं तो इस टाइम तो मन इधर उधर भी जाता ना।
है ना, हाँ अलग अलग। तो उस पर ना करके जो रास्ता है आपका, जो पथ है, जो जो दिख रहा है वहीं जाइए। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। समय है, उम्र है, यही टाइम होता है, इसी टाइम पर सारी चीज़ें होती है। तो आप बने रहो, लगे रहो। क्या जिंदगी में एक बात जरूर ध्यान रखना, कभी भी मायूस नहीं होना। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि होकर ना मायूसी शाम की तरह ढलती रही है, होकर ना मायूसी शाम की तरह ढलते रही है। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव तो थकी जाओगे यार, यारो धीरे धीरे ही सही, परंतु चलते रहिए, चलते रहिए। तो रुकना नहीं, बस चलते रहना। उम्मीद है आप एक छोटा काम मेरा इन सब बातों को सुनने के बाद जरूर करोगे। मेरा तो करे ना करे, पर आप अपने दोस्तों का, मित्रों का, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, गांव में पढ़ते हैं, उनका सभी का, जो आपके मित्र है अजीज, उनका सभी को ये वीडियो शेयर करोगे ना, है ना, हाँ ना, शेयर करोगे ना। तो अपने दोस्तों को उठाइए फ़ोन, निःशुल्क, एक रुपये भी खर्च नहीं होगा, यकीन मानिए आप। और उसको जो है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर 10-10 जगह भेज दीजिएगा। प्लीज़ छोटा काम जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बैक टू बैक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।